दोस्तों आप देख सकते हैं श्री धन्वंतरी है, वन औषधि विशेषांक है। तो पेट की समस्याओं के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी औषधि के बारे में जानकारी दूंगा। सिर्फ एक ऐसी औषधि है जो शायद आपके घर पे ही मिल जाएगी, आपके घर पे ही उपलब्ध होगी, घर में ही पड़ी रहती है ये। लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीका, जो पेट की अलग अलग समस्याएं होती है, किसी को कब्ज की समस्या होती है, किसी को दस्त लगने की समस्या होती है, मलावरोध की समस्या होती है, किसी को भूख नहीं लगती, मंदाग्नि की प्रॉब्लम होती है, वहां पर ये अलग अलग तरीकों से कैसे यूज करना चाहिए इसको, इसके बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, देख सकते हैं श्री धन्वंतरी, मैंने बता दिया वनौषधि विशेषांक है। इसमें बहुत सारे नुस्खे लिखे हुए हैं, बहुत सारे, और ये मेरे पास कई बुक्स हैं अलग अलग, इनकी पूरी सीरीज आती थी। और लोग कमेंट में पूछते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए, बताइए मैं कैसे दे दूं, कैसे इसका पीडीएफ तैयार करवाऊं, कोई करने के लिए तैयार भी नहीं है। मैंने बात भी कई लोगों से की जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, उनसे बात भी की, बोल रहे हैं इतनी मोटी है सर, नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। वो बात ही करना बंद कर देते हैं जब मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं। मैं भी सोचता हूं कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो अपनी संस्कृत को आगे लेकर जाना है, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आयुर्वेद जो है बीमारियों को जड़ से ठीक करता है, और जो एलोपैथी है वो हमेशा लक्षण का उपचार करता है, वो लक्षण बाई लक्षण, सिम्टम्स बाई सिम्टम्स काम करता है। लेकिन जो जड़ से ठीक करने वाला है वो आयुर्वेद ही है, और ये अमूल्य है। इससे इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है दोस्तों। अब इसके बारे में क्या ही कहें, ये एक धर्म के समान है। हम भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आयुर्वेद का जन्म हमारे ही यहाँ से हुआ है। दोस्तों आजकल क्या होता है ना, फॉरेन से मुझे ऑर्डर आते हैं, बहुत से देश हैं फॉरेन से भी ऑर्डर आते हैं, जैसे फिलीपींस है और अमेरिका, न्यूयॉर्क से ऑर्डर आते हैं, कनाडा से ऑर्डर आते हैं। तो अंग्रेज लोग भी इस्तेमाल करने लगे हैं आयुर्वेद, वो भी एलोपैथी खा खा कर परेशान हो चुके हैं। देखिए आजकल हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वो लोग हमारी सभ्यता अपना रहे हैं, क्योंकि तो वो ऊब चुके हैं, वो जान चुके हैं उनके साइड इफेक्ट, तो आयुर्वेद भी अपना रहे। तो मैं बहुत सारे पार्सल विदेश भी भेजता हूँ, जो ऑर्डर आते रहते हैं तो मैं उनको भेजता हूँ। जैसे कोई इंडिया का रहता है, कनाडा में, न्यूयॉर्क में, वो अपना बता दिए अपने फ्रेंड से जो अंग्रेज लोग हैं वहाँ पर, कि देखिए आयुर्वेद है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, तो लोग मंगवा लेते हैं उनके द्वारा, तो मैं भेज देता हूँ वहाँ पर। तो लोग आयुर्वेद अपना रहे हैं, और हम क्या है, हम आयुर्वेद की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा नुस्खा लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, हरड़े सेवन के गुणांतर, मतलब हरड़ जो घर में आपको मिल जाती है, हरड़ उसी के बारे में बताया गया है। हरड़े सेवन के गुणांतर, हरड़ दांतों से चबाकर खाने से अग्नि को बढ़ाती है। अगर हरड़ को आप दांतों से चबा चबा कर खाएं तो ये अग्नि को बढ़ाती है, जो भोजन पचाने का काम करती है, भूख बढ़ाने का काम करती है अग्नि, जिसको कहते हैं मंदाग्नि हो गई, अग्निमंद हो गई, अग्निमांद हो गया, तो उसको ठीक करती है ये, तो अग्नि को ये बढ़ाती है हरण, दांतों से चबाकर पीस कर खाने से मल को शोधन करती है, अर्थात मल को निकालकर उदर की शुद्धि करती है। तो पीस कर अगर आप खाते हैं इसको, ठीक है, तो ये फायदा मिलता है, उदर की शुद्ध करती है। पकाई हुई खाने से मल को रोकती है, और भुनी हुई हरण त्रिदोष का नाश करती है। जो भुनी हुई हरण है तो वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाश करती है, बहुत ही एक अमृत के समान इसको कह सकते हैं औषधि है। किस समस्या में किस प्रकार से सेवन करना चाहिए ये भी आप देख लिए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर किया करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।